सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन विश्व हिंदू महासंघ का फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बनना महंगा पड़ गया। संगठन के ही कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर धुन दिया, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कपड़े भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी में भी तोड़ फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची कुआरसी थाना पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया। बताया गया है कि अलीगढ़ के संगठन का जिलाध्यक्ष बनाने के नाम पर फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बना यह शख्स 21,000 रुपए की मांग कर रहा था। खुद को विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाला सुमित कटियार आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। बताया गया है कि सुमित इस संगठन से जुड़ा था, लेकिन कई महीने पहले ही इस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी सुमित कटियार ने फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बन ठगी का ये बड़ा खेल खेला। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसका मुख्यालय गोरखधाम पीठ गोरखपुर है। अलीगढ़ के ही आदित्य पंडित ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सुमित कटियार संपर्क में आया। उसने खुद को बिहिम का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए कहा कि अलीगढ़ की महानगर और जिला कमेटी 5 माह पहले भंग की जा चुकी है। वह आदित्य को अलीगढ़ का जिला अध्यक्ष का पद दे सकता है। सहमति बनने पर उसने 1 जून को कार्यक्रम का आयोजन कर पद ग्रहण करने की बात कही। उसकी बात मानकर ताजपोशी की सारी तैयारियां कर ली गई। पद ग्रहण समारोह का आयोजन चल ही रहा था कि सुमित कटियार ने 21,000 रुपए की मांग कर दी। इसी बात पर उसके प्रदेश पदाधिकारी होने पर शक हुआ। शक होने पर उसके संबंध में गोरखपुर कार्यालय से जब संपर्क किया गया तो पता लगा कि वो फर्जी प्रदेश अध्यक्ष है। इसे पूर्व में भी कई जिलों में जालसाजी कर चुका है। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और ज्वालापुरी पुलिस चौकी ले गए। वहां से उसे कुआरसी थाना पुलिस अपने साथ ले आई। इधर सूचना पर विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष योगेश गुप्ता भी पहुंच गए। योगेश गुप्ता और आदित्य पंडित की ओर से आरोपी के खिलाफ ठगी और जालसाजी की तहरीर कुआरसी पुलिस को दी गई है। लॉलीपॉप दिया कि आपको जिलाध्यक्ष मनोनीत करेंगे, जिला महामंत्री मनोनीत करेंगे, और वास्तविकता में जब इसकी सच्चाई हमने करनी चाहिए, जो विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी दास प्रजापति है उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा इसे पूर्व में निष्कासित कर दिया गया। पूर्व में यह विश्व हिंदू महासंघ में प्रदेश उपाध्यक्ष था, परंतु उनके अनुसार अनुशासनहीनता करने के कारण इसको निष्कासित किया गया था। इसने हमें और हमारे कार्यकर्ता को छलने का प्रयास किया है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे फर्जियों को खदेड़ खदेड़ के मारने का काम अलीगढ़ का युवा हमने यहाँ इसको पुलिस के हवाले किया है और पुलिस से भी हमने निवेदन किया है कठोर से कठोर कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ करें, ताकि आगे से ये 420 के काम करने का दुस्साहस ना कर सके। कौन कौन लोग आए थे यहाँ? इसके साथ में 10 से 12 लोग और थे, शायद एक प्रदेश उपाध्यक्ष थे या कोई थे, तोमर तोमर करके थे, वो भी थे। 8-10 लोग अन्य थे, वो शायद मौके की नजाकत को भागते हुए भाग गए। क्या मानते हैं योगी सरकार और मोदी सरकार के नाम पर ठगते हैं ऐसे लोग? देखिए, इस प्रकार के लोग तो ठगने का ही कार्य करते हैं। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं से 21,000 रुपए के लिफाफे की मांग और करी थी, जो कि बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग हम उत्तर प्रदेश पुलिस से और इस अलीगढ़ पुलिस से करते हैं। आपको क्या पद देने वाले थे आज? ये हमारे कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का झांसा दे रहे थे। बिल्कुल, 21,000 रुपए का लिफाफा आने जाने खर्चे के नाम पे इन्होंने मांग करी थी। आपके लिए कोई स्लिप काट कर दिए थे पद के नाम पर? नहीं, अभी इन्होंने स्लिप नहीं काटी। कार्यक्रम के उपरांत 21,000 का लिफाफा लेने की इनकी मांग थी। आज युवराज पैलेस में विश्व हिंदू महासंघ की मीटिंग हो रही थी। योगेश गुप्ता जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ के, उन्होंने एक लिखित में तहरीर दी है कि सुमित कटियार जो आगरा के रहने वाले हैं, ये फर्जी रूप से अपने आप को जिला उपाध्यक्ष बताकर इकाई का गठन कर रहे थे। हाँ, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, इन लोगों में आपस में तकरार हुई है। इन लोगों ने कहना है कि ये फर्जी रूप से इकाई गठन कर रहे थे, इनका विश्व हिंदू महासंघ से कोई संबंध नहीं है, इन्हीं के द्वारा गिरफ्तारी है। जो तहरीर दी गई उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, इन्होंने भी कोशिश करी आपसे ऊपर से बात कराने में, तो उसमें लगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष या किसी, अभी इसकी विवेचना की जा रही है अभी।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।